करेंगे बड़ी खबर का। उत्तरकाशी में भीषण सड़क हादसे में लगातार हर एक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर हम दे रहे हैं। खाई में गिरने से 27 लोगों की मौत। तो खाई में बस गिरने से यह हादसा हुआ था। चार धाम की यात्रा पर यमुनोत्री जा रही थी बस। चार मिला है हमारी तरफ से, सभी बचाव के राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर हैं। माननीय गृहमंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहां भेजी है, एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है। जो भी बचाव के काम है, चूंकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनका भी फोन आया है और लगातार हम लोग संपर्क में, जो भी जरूरी बचाव के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में ये डामटा पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सिला, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हर एक तस्वीर आप पहुंचा रहे हैं इस हादसे को लेकर। सुरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे हादसे में? मौत का आंकड़ा बढ़कर 27 हुआ। देखिए, बिल्कुल मौत के आंकड़े को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। जिला अधिकारी ने 26 का आंकड़ा बताया है और डीआईजी गढ़वाल ने 27 का आंकड़ा बताया है। डीआईजी का कहना है कि चार घायलों में एक जो महिला थी अनकॉन्शियस थी उसकी मृत्यु होने की खबर है। और वहीं जिला अधिकारी ने कहा है कि अभी इस बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन 26 लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बताएं कि देर रात करीब ये 3 बजे के लगभग ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हुआ था। 26 लोग उस वक्त तक मृत हो गए थे और उनकी डेड बॉडीज ट्रक में रखी गई थी, अलग अलग गाड़ियों में रखी गई थी। पंचनामा भरने की कार्रवाई रात में चल रही थी और 8 बजे आज शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये दोनों इसी जगह पर पहुंचेंगे जहां डामटा में इस वक्त हम मौजूद हैं। वहीं पहुंचेंगे और वहां निरीक्षण करेंगे कि कैसे यह हादसा हुआ होगा, किस तरह से ये पूरी घटना रही, क्योंकि ये जो पूरा एक ग्रुप आ रहा था इसमें 2 बसें थी, एक बस जो दुर्घटनाग्रस्त हुई और दूसरी बस जिसमें इनके साथी लोग मौजूद थे, और इनके जो इनके शवों को इन तमाम लोगों को ही सुपुर्द किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से बाई एयर इनको मध्य प्रदेश पन्ना भेजा जाएगा जहां अंतिम संस्कार इनके परिजन अपने हिसाब से कर पाएंगे, और यही प्रशासन से बातचीत के बाद चीजें तय हुई हैं। तो देर रात तक इनका पंचनामा हो गया था, डॉक्टर्स की तमाम टीम यहाँ पहुंच गई थी। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, क्योंकि मैं खुद मौके पर कई बार होके आ चुका हूँ, तो वहां पर सड़क की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ऐसा रहा होगा कि बहुत ज्यादा स्पीड रही होगी जो कंट्रोल नहीं हो पाई, यानी नियंत्रण में नहीं हो पाई, जिसके चलते यह हादसा हुआ होगा। हालांकि ड्राइवर घायल है इस दुर्घटना में, ड्राइवर से ही ज्यादा डिटेल पता चल पाएगी कैसे ये पूरी दुर्घटना हुई, लेकिन ये दुर्घटना कहीं ना कहीं अपना सवाल फिर से दोहराएं आप। सुरेंद्र, आप कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो घायल है, उसी से तमाम क्लियरिटी यहाँ पर हो पाएगी आखिर हादसे का कारण क्या रहा है, लेकिन स्थिति की अगर बात करें तो क्या कुछ हालत घायलों की? देखिए, बिल्कुल घायलों का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है और सभी घायलों को यहाँ से भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एम्स में भी रेफर किया जा सकता है, एम्स के लिए भी तमाम तैयारियां करने को कहा गया था। और बाकी लोग इसमें 30 लोग सवार थे जिसमें से 26 लोगों के शव देर रात में रेस्क्यू किए जा चुके हैं और 4 लोग जो घायल हैं उनको इलाज के लिए देहरादून भेजा है। और आज मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचेंगे तो उसके बाद वो भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री ने भी जो पीड़ित परिवार है उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी मुआवजा ऐलान कर चुकी है और पुलिस की बड़ी टीम यहाँ मौजूद है, एसडीआरएफ,
एनडीआरएफ के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस रेस्क्यू में प्रशासन की एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने करीब 400 फीट से गहरी खाई से इन लोगों को निकाला है, ये रेस्क्यू किया है। क्योंकि मेरे सामने पूरा रेस्क्यू हो रहा था, तो ये काबिले तारीफ है कि बहुत कम समय में ऐसी जगह पे जहां बहुत मुश्किल होता है कि आप कुछ फीट खाई में भी उतर पाएं, वहां 400-500 फीट खाई में नीचे उतर कर जवानों ने पूरा रेस्क्यू किया है। बिल्कुल, ये भीषण हादसा, और बिल्कुल सुरेंद्र आपने हर एक तस्वीर देर रात से दर्शकों के पास पहुंचाई कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ, हादसे के बाद जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने किस तरह से अभियान चलाया और एक एक शव को इस गहरी खाई से बाहर निकाला गया। ये 27 लोगों की मौत अपने आप में कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देती है। जब अपने घर से ये तमाम श्रद्धालु निकले होंगे तो उन्होंने सिर्फ ये सोचा होगा कि हम बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि अगले ही पल उनके साथ कौन सी घटना, कौन से मंजर से उनका सामना होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल माँ यमुनोत्री के दर्शनों के लिए लोग जा रहे थे, और वहीं जब हम इस रास्ते में जाते हैं तो डामटा जो उत्तरकाशी में आता है और ये एक तरह से देहरादून का बॉर्डर है, तो उस क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई है। क्योंकि इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्किंग की दिक्कत है, यहाँ जो आसपास की टीमें थी उन्हें तत्काल भेजा गया, वो मौके पर पहुंची और उसके बाद देर रात तक तमाम टीमें यहां पहुंच चुकी थी। एनडीआरएफ की टीम भटवाड़ी से यहां पहुंच चुकी थी, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम अलग अलग जगह से यहां भेजी गई थी, वो टीमें पहुंच गई थी। रात होने के चलते आप हवाई सेवाओं के जरिए रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं, अगर रात नहीं होती तो शायद चॉपर के जरिए ही रेस्क्यू टीमों को भेज दिया जाता। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि ये रेस्क्यू अपने आप में बहुत मुश्किल था, खुद मुख्यमंत्री रेस्क्यू के बारे में पूरी जानकारी लेते रहे, आपदा कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री मौजूद रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे देर रात में, तो ये तमाम जो अधिकारी हैं ये इन दोनों को पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरह से रेस्क्यू को किया जा रहा है। खुद डीआईजी गढ़वाल यहां पर मोर्चा संभाले हुए थे, उत्तरकाशी के डीएम और कप्तान दोनों मौके पर मौजूद थे, सीएमओ उत्तरकाशी यहाँ मौजूद थे, तमाम डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और अभी भी जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो वो पूरा जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये घटना हुई होगी, क्योंकि ऐसा उस सड़क पर नहीं नजर आता है कि जहाँ पर सड़क की वजह से या कोई टेक्निकल खामी की वजह से बस गिरी हो, वहां पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ध्यान भटका है या फिर स्पीड में नियंत्रण नहीं हुआ जिससे बस को आप कंट्रोल नहीं कर पाए और यह हादसा हो गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुनाया भी था कि जब आप प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सड़क काफी वाइड थी, तो ऐसे भी हादसे होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर रही है जिसके चलते हादसा हुआ है। अब रेस्क्यू अभियान क्या पूरा हो चुका है, मौके पर क्या स्थिति है और घटना स्थल से आप कितनी दूरी पर? देखिए, रात के 3 बजे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, क्योंकि घटना स्थल में मोबाइल नेटवर्किंग की दिक्कत है, इसलिए हम लोगों को अपनी फीड भेजने के लिए और लाइव के लिए हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात के 3 बजे पूरा हो चुका है और अब सिर्फ पीएम की कार्रवाई यानी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, और इसके साथ ही जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनको उनके साथियों को सुपुर्द किया जाएगा, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत पूरी कार्रवाई होती है वो सारी चीजें की जा रही हैं। और इतनी बड़ी दुर्घटना में आप इनको अस्पताल भेज के पीएम नहीं कराते हैं, मौके पर ही पीएम होता है, 4 डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, सीएमओ मौजूद थे, तमाम उसी हादसे की सड़क पर ही तमाम चीजें की गई है। बिल्कुल, तो देखिए हर एक तस्वीर जो है हमारे संवाददाता ने देर रात से ही ग्राउंड से आपको यहां पर पहुंचाई, किस तरह से हादसा हुआ, किस तरह का मंजर वहां पर, रेस्क्यू टीम की तरफ से किस तरह से अभियान चलाया गया, और देर रात 3 बजे ही ये रेस्क्यू यहां पर खत्म हो गया था और अब पोस्टमार्टम पंचनामा की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत रहती है, वो यहां पर किया जा रहा है। और आज 8 बजे जो है सीएम धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचेंगे सुरेंद्र घटनास्थल पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 8 बजे का समय मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से हमें मिला है कि 8 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे।
और अधिकारियों से जानेंगे किस तरह से दुर्घटना हुई। ये दौरा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई खामी है तो उसे भविष्य में दूर किया जा सके। इस समय चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ है और ऐसे में कई बार दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये बस दुर्घटना हुई है इसमें मजिस्ट्रेटेड जांच के आदेश दिए जाएंगे, इसमें जांच भी होगी, लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृश्यता पता चलता है ये लगता है कि ओवर स्पीड इसका एक कारण रहा होगा। पहाड़ों में कहा जाता है कि आप स्पीड पर ध्यान रखें, आप मोबाइल का प्रयोग ना करें, आपको अगर नींद आ रही है तो आप अपनी गाड़ी को साइड में लगा के सो जाएं, लेकिन कई बार लोग इग्नोर करते हैं इन चीजों को और उसके बाद हादसा होता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। बिल्कुल, वक्त वक्त पर हिदायतें दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का यहाँ पर पालन हो। जरासी अवेला, जरासी चूक, किस तरह से जान पर भारी पड़ती है ये